एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अबाउट एन अनाउंसमेंट जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, और वो अनाउंसमेंट यहाँ पे करी थी 8-bit thug ने। एंड उनके अनाउंसमेंट में उन्होंने लिखा था दैट कुछ एक नई अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड यहाँ पे उन्होंने बाकी ऐसे ड्यूएल के क्रिएटर्स को भी टैग किया था, और हम सबने यहाँ पे गेस किया था दैट हो सकता है दैट ये ऐसे ड्यूएल का नया वैलोरेंट रोस्टर है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। बट नो, वी गेस्ड इट रॉन्ग। इट्स ऐसे ड्यूएल्स न्यू पबजी मोबाइल न्यू स्टेट रोस्टर। हम सबको पता है दैट पबजी मोबाइल न्यू स्टेट रोस्टर का ऐसे ड्यूएल का जो लाइनअप था वो टीईसी लैंड इवेंट के बाद, जो कि वो जीते थे, उसके बाद वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था। एंड रिलीज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से किया था, जो कि जल्दी से गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने वापस से साइन कर लिया था। तो वो वाले प्लेयर्स तो वापस अब नहीं आ सकते। सम पीपल कॉल इट पोचिंग, बट हाँ, हम कहेंगे मौके पे चौका लगाना। बट यस, अब जो हम आपको नए प्लेयर्स बताने वाले हैं वो अब यहाँ पे ऐसे ड्यूएल के अंडर खेलने वाले हैं 20% ऐसे ड्यूएल इन पबजी मोबाइल न्यू स्टेट। एंड उनका नाम है ऑप्टिक गॉड, डिवाइन, ब्लेजिंग गॉड, शैडो 7 एंड याशु। सो वी विश द बॉयज अ वेरी गुड लक, एंड उम्मीद है दैट आने वाले टूर्नामेंट्स में आप लोग ऐसे ड्यूएल का नाम जरूर रोशन करेंगे। अब अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट येट अगेन अनदर कंट्रोवर्सी जो कि यहाँ पे वैलोरेंट की यूनिवर्स में हो चुकी है। अब यहाँ पे पेंटा ईस्पोर्ट्स का वैलोरेंट इन्विटेशनल लाइव स्ट्रीम हो रहा था, जिसकी ब्रेक के दौरान इंग्लिश डेस्क पे क्रिस कास्ट के नाम के एक कास्टर ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो कि कम्युनिटी को, क्या प्लेयर्स को, इंडिविजुअल्स को, और हो सकता है बाद में उनको खुद को भी अपने वर्ड सुन के अच्छा नहीं लगा। आइए आपको सुनाते हैं वो शब्द क्या थे। They are a team of rejects, bro. Sai thrown out of every team he's been a part of. Literally every team disbanded because of him and his stupidity. Vibhor kicked out of VLT and OG. Sir, I can't even say he got kicked out of OG. The OG team disbanded, so not his fault. Knight Rider Ember kicked out of Revenant. Who's their fifth? Wimp. There's a rumor that Wimp also might get kicked out of Revenant because he's a bloody useless player. Now those were some nasty comments that were made on God's Reign player, but yes, हम लोग अपना कोई personal comment यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं, but आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं that community का backlash बहुत strong हो गया। और इन्हीं सीरीज में सबसे पहले हम आपको एक क्लिप दिखाने वाले हैं जो कि किरण नूजी बेल, जो कि हेड ऑफ ईस्पोर्ट्स है पेंटा ईस्पोर्ट्स में, उन्होंने यहाँ पे रिलीज की है। I have a message for everyone. We are aware of an incident that happened during day one of the English broadcast of the Penta Pro series Valorant, involving a talent saying things he should not have said, irrespective of being on a live stream or not. We want everyone to know that this was the individual's view, and we as Penta by no means stand by or support it. And इसी के तुरंत बाद यहाँ पे क्रिप्स ने भी एक ट्वीट डाला जहाँ पे उन्होंने लिखा है that so it turns out our audio wasn't muted in the downtime of stream and the audience sees me cuss out words for the first time. I apologize if I hurt any feelings of any players. None of this was supposed to be in the public eye. And साथ ही साथ क्रिप्स ने यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स को टैग करके एक और ट्वीट करी थी जहाँ पे उन्होंने लिखा था that apologize for causing such an incident. I generally talk about games in a crass way behind curtains, but that doesn't mean I disrespect any of you. अब ये थी क्लिप्स की गवाही, बट अब हम यहाँ पे देखते हैं दैट प्लेयर्स ने इस पे क्या रिएक्ट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले सिमर सेठी, दैट इज सिमर अंडरस्कोर साय के ट्वीट के बारे में। यहाँ पे उन्होंने लिखा दैट स्टुपिडिटी फुल स्टॉप एट द रेट क्रिप्स कास्ट लेट्स मीट सून एंड विद अ सार्केस्टिक स्माइलिंग फेस। इसके बाद विभोर की ट्वीट की बात करते हैं जहां पे उन्होंने लिखा है दैट आई रिजेक्ट योर अपोलॉजी। इसी के साथ साथ यहां पे जब कुछ बातचीत हो गई होगी तो सिमर सेठी ने वापस से ट्वीट किया जहां पे उन्होंने लिखा है वी टॉक्ड मिस्टेक्स हैपन आई एम हैप्पी ही एडमिटेड हिज मिस्टेक एंड ही नोज इट्स नॉट माई स्टुपिडिटी एंड आई एम द वन हु सफर्ड बट नेवर माइंड इट्स ऑल गुड। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी रियली अप्रिशिएट फ्रॉम सिमर एज वेल, बिकॉज यहां पर एक बड़े दिल से माफ कर देना is something which is really needed in the community. So definitely he did the same. But haan, I really wish that agli baar se sare ke sare casters and commentators really wear the words that they're saying out. अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीस के एक्सट्रीम सर्वाइवल चैलेंज के बारे में, जहां पे विनर को मिलने वाले हैं $1 million इन फोर्टनाइट। एग्जैक्टली, एपिक गेम्स ने यहां पे हाल में ही यूट्यूबर मिस्टर बीस के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है एंड डिसंबर 17 को प्लेयर्स यहां पे कम्पीट कर पाएंगे मिस्टर बीस के एक्सट्रीम सर्वाइवल चैलेंज में एज अ पार्ट ऑफ दिस लिमिटेड कोलैबोरेशन। बट यहां पे जो प्लेयर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला है उनको यहां पे विनर घोषित किया जाएगा एंड उनको मिलने वाले हैं $1 million, विच इज अ ह्यूज प्राइज। आप सबको मिस्टर बीस के बारे में पता ही है एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूं दैट ही इज वन यूट्यूबर जो यहां पे बड़े बड़े डेयर्स एक्सट्रीम चैलेंजेस देके बहुत ज्यादा पैसा भी उसका रिवॉर्ड में देते हैं। इनकी वीडियोस काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहती है, बट ये पहली बार हो रहा है दैट यहां पर फोर्टनाइट के साथ मिस्टर बीस का कोलैबोरेशन हुआ है। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं कि आप यहां पे कैसे जीत सकते हैं। सो जितने लोग एलिजिबल हैं और यहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको यहां पे कॉइंस कलेक्ट करना पड़ेगा एंड उनको सर्वाइव करना पड़ेगा एक्सट्रीम चैलेंजेस में टू अचीव द बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर।
अगर वो लोग यहाँ पे अपने स्कोर से खुश नहीं है, वो लोग यहाँ पे इस मोड को जितनी मर्जी बार खेल सकते हैं ताकि वो अपने चांसेस ऑफ विनिंग को इम्प्रूव कर सकें। सो आई रियली विश यू गाइस द बेस्ट। एंड अगर आप लोग इस एपिसोड से ये जानकर $1 million जीत जाते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ शेयर, बिकॉज हम लोगों ने आपको इस बारे में बताया। आई एम जस्ट किडिंग। अगर आप लोग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के हर एक अपडेट को जानना चाहते हो जिसमें ऐसे के अपडेट्स भी इंक्लूडेड रहते हैं जहां पे आप लोगों का फायदा हो सकता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्पोर्ट्स की राइज़। अगले टॉपिक में हम फिर से बात करने वाले हैं अबाउट वीजा इश्यूज, बट हाँ आज हम यहाँ पे दुख के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं दैट गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स और टीम वाइटालिटी को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वीजाज ऑब्टेन करने में वो सॉल्व हो चुकी है। एग्जैक्टली, गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स एंड वाइटालिटी दो इंडियन टीम्स जो कि यहाँ पे COD मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के फाइनल्स के स्टेज 5 में जाने के लिए बेताब थे और डिजर्विंग थे, उनको यहाँ पे कुछ वीजाज की इश्यूज आ रही थी। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको इस बारे में बताया था और उनको यहाँ पे जाना रेलिगे यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रॉम 15th December to 18th of December। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट दोनों के दोनों स्क्वाड्स को उनका वीजा अप्रूवल भी मिल चुका है एंड वो दोनों की दोनों टीम्स यहाँ पे इस मेगा चैंपियनशिप में खेलने के लिए अब एलिजिबल भी हो चुके हैं। अब चलो ये तो बात हो गई वीजा इश्यूज की, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉम्पिटिशन की, बिकॉज वी आर बैक ऑन द ट्रैक। सो टोटल 16 टीम्स जो अराउंड द वर्ल्ड से खेलने वाली हैं इन ग्रैंड फाइनल्स में वो यहाँ पे खेल रही हैं फॉर अ टोटल ऑफ $1.7 million ऑफ प्राइस पूल। अब आप लोग बताइए दैट टीम वाइटालिटी और गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के रास्ते में जो कांटा था वो तो हट गया, पर अब जो बाकी 14 कांटे इन्हें ग्रैंड फाइनल्स में मिलने वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा ये कौन इनको टक्कर देने वाला है या फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर देने वाली है। अब अगला टॉपिक डेडिकेटेड होने वाला है स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 4.0 के लिए। स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 4.0 एक लैंड फाइनल होने वाला है जो यहाँ पे 24th of December 2022 को होने वाला है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को में जो कि गोरेगांव मुंबई में है। इवेंट का जो ग्रैंड फाइनल्स है वो यहाँ पे डोटा 2, CSGO एंड पोकेमॉन यूनाइट के टूर्नामेंट्स के साथ खत्म होगा। एंड अगर प्राइस पूल की बात करें तो डोटा 2 के लिए यहाँ पे प्राइस पूल है ऑफ $1500 एंड CSGO के लिए प्राइस पूल है $10,000 रिस्पेक्टिवली, जबकि पोकेमॉन यूनाइट के लिए प्राइस पूल है टोटल ऑफ 22,50,000 रुपीस, व्हिच इज अ ह्यूज अपग्रेड फॉर दिस मोबा गेम। अब आप लोग बताइए कमेंट्स में दैट आप लोग कौन सी गेम के लिए एक्साइटेड हैं। अब आज के आखिरी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल न्यू स्टेज स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट लीग स्टेज के रिजल्ट्स के बारे में। लीग स्टेज यहाँ पे खत्म हो चुकी है और सो टीम INDIE जो कि इसके बाद से टीम SETUL के नाम से जानी जाएगी वो यहाँ पे टेबल टॉप करती हुई हमें दिखाई दे रही है। स्काईलाइट्स गेमिंग यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है, गॉड्स रीन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है और 24 टीम्स टोटल 32 टीम्स में से आगे क्वालिफाई करने वाली हैं फॉर द सेमीफाइनल्स। और आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट कौन सी टीम ने आगे जाने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बट यस, सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, बिकॉज हम लोगों को और मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसे के और सिमिलर एपिसोड्स बनाने के लिए एंड आप लोगों को अपडेटेड रखने के लिए इन द IGC। थैंक यू वेरी मच। दिस इज टकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड। सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन।